को बी एस सी मैथमिसाल यूट्यूब चैनल स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और यह सवाल आज लास्ट है। अब चलेगा प्रश्नावली 4.3। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक कुटीर उद्योग का एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत मूल्यों में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या दोगुने से तीन अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बताइए। दोस्तों हम लिखेंगे, माना कि निर्माण बर्तनों की संख्या बराबर x। ठीक है दोस्तों, इसीलिए उस दिन निर्माण बर्तनों की लागत बराबर क्या है? दो गुने से तीन अधिक है। इसलिए क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार x इंटू 2x प्लस 3 बराबर दोस्तों कितना है? 90। ठीक है, गुना कर देंगे दोस्तों, अब गुना कर देंगे तो 2x² प्लस 3x बराबर 90। तो इधर क्या होगा? 2x² और प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब इतना हो गया। अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ है प्रथम पद, या चार पद गुना कर लेंगे, 2x² प्लस 3x माइनस 180। ठीक है दोस्तों, सॉरी इतना हो गया, कितना हो गया? अब गुना करते कितना? 180। ठीक है दोस्तों, अब 180 लाने के लिए हमें क्या करना है कि 3 भी लाना है, 180 भी लाना है। गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा ना। 180 को किस तरह फैक्टर तोड़ा जाए कि 3 लाना है? देखिए दोस्तों, तो 15 और 13 12 लीजिएगा तो 180 आ जाएगा, अंतर भी 3 हो जाएगा। अन्यथा आप 180 को फैक्टर तोड़ लीजिएगा 2 से तो 90, 2 से 45, फिर 3 से 15, 3 से 5। तो फिर देखो दोस्तों, 4 से 12 आ गया, 3 से 15 गुना तो 180 हो भी करेगा, खाली घटाव देखना है। तो 15 में से 12 गया 3, अब प्लस लाना है तो क्या करेंगे? बड़ा वाला को प्लस का चिन्ह देंगे, छोटा वाला को माइनस का चिन्ह देंगे, 90 देंगे बराबर 0। ठीक है दोस्तों, सॉल्व बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? या भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पैटर्न को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 12x और प्लस 15, जिससे कि आप भाग करने में ना आसानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे? तो कॉमन ले लेंगे, 2 क्या कॉमन आएगा? 2 इंटू एक्स माइनस 6 प्लस 15 कॉमन आ जाएगा एक्स माइनस 6 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 15 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या लिखेंगे? इसीलिए लिखेंगे दोस्तों, एक्स माइनस 6 बराबर 0 और एक्स प्लस 15 दोस्तों लिखेंगे, एक्स माइनस 6 बराबर 0 या एक्स प्लस 15 बराबर 0, एक्स बराबर 6 तो या एक्स बराबर माइनस 15। दोस्तों आपको पता है कि एक्स का वैल्यू माइनस नहीं लेना होगा, अतः क्या हो जाएगा? अतः जो हो जाएगा बर्तनों की संख्या जो हो जाएगा एक्स, क्या हो जाएगा? अतः लिखेंगे अतः एक्स बराबर 6, एक्स बराबर कितना होगा? 6, माइनस 6 बराबर 0 तो एक्स बराबर 6 या एक्स प्लस 15 0 तो या एक्स बराबर माइनस 15। तो दोस्तों एक्स का मान माइनस में ले लेना पड़ेगा, यह ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए क्या एक्स बराबर 6, अतः एक्स का कितना? 6। अब कहा कि बर्तनों के निर्माण, अब लिखेंगे अभिष्ट बर्तनों, अभिष्ट निर्माण बर्तन संख्या, अभिष्ट निर्माण बर्तनों की संख्या दोस्तों कितना आ जाएगा? 6। कितना आ जाएगा? 6। और तो क्या होगा बर्तनों की लागत क्या होगा? और हो जाएगा निर्माण बर्तनों की लागत जो होगा उस दिन का कितना है? 2x प्लस 3 है, अर्थात 2 गुने 6 प्लस 3 12 प्लस 3 बराबर 15 रुपया। दोस्तों इनसे क्या होगा? रुपया में होगा। सॉरी, बर्तनों की संख्या हो गया 6, रुपया कितना हो जाएगा? 15। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक्स पर कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा।
ठीक है दोस्तों। और आज यह चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। अब चलेगा 4.3 का चैप्टर, ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी बुक से।